ईरान में धमाका, लेबनान में ब्लास्ट। जनरल सुलेमानी की बरसी पर दहले इसराइल के दो बड़े दुश्मन। हजारों की भीड़ के बीच दो धमाकों ने तैयार कर दिया युद्ध का फ्रंट। अब ईरान पर सबकी नजरें हैं, अब हिजबुल्ला पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ईरान के किरमान में हमला हुआ और उससे पहले लेबनान में हुआ ड्रोन अटैक। इस धमाके, इस आग, इस तबाही ने गाजा के बाद दूसरे युद्ध को दावत दे दी। ये लेबनान की राजधानी बेरूत है और अब अगला युद्ध 24 घंटे के अंदर शुरू होने का खतरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये ब्लास्ट है, ये धमाका, ये अफरा तफरी। युद्ध का सायरन बजने लगा है। मौत का ये तांडव बता रहा है कि इसराइल ने अपने दुश्मन नंबर दो को खत्म कर दिया है। इसराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार डाला है। लेबनान के बेरूत में हुई ड्रोन स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गए हैं और इसमें सालेह अल अरूरी सबसे बड़ा नाम है। सालेह अल अरूरी को इसराइल ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा है। यह हमला बेरूत के दहिया इलाके में, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। दहिया में जब सालेह अल अरूरी को हमास के ऑफिस के करीब देखा गया, तब इसराइल का ड्रोन मौत बनकर टूट पड़ा। इस हमले में सालेह अल अरूरी के साथ 5 और लोग मारे गए हैं, जो हमास के ही अधिकारी बताए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा, जिसमें बड़ी लड़ाई इसराइल और हिजबुल्ला के बीच होगी। ऐसा युद्ध जिसमें इसराइल की तरफ होगा अमेरिका, जबकि हिजबुल्ला की मदद करेगा ईरान। इसराइल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक और दुश्मन खत्म कर दिया है, लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाफ तैयार हो चुके हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने भी कह दिया है कि इसराइल को अरूरी के मर्डर की कीमत चुकानी होगी। والقامه الوطنيه الكبيره شهيد الشيخ صالح العاروري ابو محمد نؤكد ان اغتيال الاحتلال الصهيوني للاخ القائد الوطني الكبير المجاهد। अरूरी की मौत से इसराइल के 3 बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार झटका लगा है। पहला झटका हमास को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी इस्माइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था। दूसरा झटका ईरान को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हिजबुल्ला और ईरान के साथ आए मतभेद को दूर किया था। तीसरा बहुत बड़ा झटका हिजबुल्ला को लगा है, क्योंकि इसराइल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी बेरूत और हसन नसरल्ला के गढ़ को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगा। इसराइल भी इसका असर जानता है, लेकिन अरूरी की मौत के बाद इसराइल ने कहा है कि उसका फोकस अब भी गाजा पर है। אנחנו במוכנות גבוהה לכל תרחיש. הדבר החשוב ביותר לומר הערב זה שאנחנו ממוקדים ונשארנו ממוקדים בלחימה בחמאס. בעזה. סלאח אל ארורי इसलिए बड़ा नाम था, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी, उनमें अरूरी का भी नाम था। सालेह अल अरूरी की मौत इसलिए भी हमास को परेशान कर रही है, क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिट्री विंग को तैयार किया था। अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही गाजा में घिरा हुआ है। गाजा में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोज सैकड़ों लोग इसराइल की बमबारी में मारे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है,
खत्ताब सालेह अल अरूरी ने लबनान में रहकर मोर्चा संभाला हुआ था। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जब इसराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी की थी, तब 25 अक्टूबर को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के साथ अरूरी की एक मीटिंग की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। तब लग रहा था कि अरूरी ने हिजबुल्ला को इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए राजी कर लिया है। सालेह अल अरूरी को लेकर नेतन्याहू हमेशा डरे हुए रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमास और हिजबुल्ला का गठबंधन कितना बड़ा खतरा है। इस मीटिंग में 3 लोग थे, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी और साथ में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नखालेह। इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला से मुलाकात की थी। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने लेबनान से लगे इसराइल के इलाकों में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। ऐसे कई हमलों में इसराइल के बहुत से सैनिक मारे गए और फिर इसराइल के जवाबी हमलों में हिजबुल्ला के भी करीब 100 लड़ाकों की मौत हुई। लिहाजा इसराइल का उत्तरी बॉर्डर लगातार उबल रहा था और इसकी वजह साफ तौर पर सालेह अल अरूरी और नसरल्ला की मीटिंग थी। यही वजह है कि अमेरिका ने अरूरी की जानकारी देने के लिए 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। लेकिन अब अरूरी के मारे जाने के बाद इसराइल तो बहुत खुश है, लेकिन अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल जब अरूरी पर हमला हुआ तब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड को लाल सागर से हटाने का फैसला कर चुका था। इसका मतलब है कि अमेरिका अब इस वॉर जोन से हटना चाहता है या इसमें और ज्यादा नहीं उलझना चाहता। लेकिन हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को इलाके में रुकना होगा और इसराइल का साथ देना पड़ेगा। अगर युद्ध बढ़ा तो समझ लीजिए कि पूरा पश्चिम एशिया या कहें अरब वर्ल्ड जंग के अंगारों में खोलने लगेगा। हजारों लाखों मौत होने का खतरा है, क्योंकि अब इसराइल ने मधुमक्खी का वो छत्ता हिला दिया है जो गाजा में हजारों लोगों और बच्चों की मौत के बावजूद शांत था। इसकी बहुत बड़ी वार्निंग अब संयुक्त राष्ट्र से भी आ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता फ्लोरेंसिया नीनो ने जो कहा है उसे बहुत गौर से समझिएगा। Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. We don't want any rash actions that could trigger further violence. अगर हिजबुल्ला ने लेबनान इसराइल बॉर्डर पर हमले तेज किए और खुल्लम खुल्ला युद्ध का ऐलान कर दिया तो इसराइल पर दबाव पड़ेगा। इस बात से इसराइल भी वाकिफ है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहने के दौरान एक और फ्रंट आग उगलने लगेगा और फिर बिना अमेरिका के मदद के ऐसे चैलेंज को एक साथ रोकना इसराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है, जिसमें से बहुत से मारे भी जा चुके हैं। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्ला की तादाद 1 लाख से ज्यादा है और ये सुपर एक्टिव है। इनके सामने इसराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इसराइल के पास 4 गुना ताकत है। लेकिन गाजा में ही इसराइल पर हमले बढ़ने लगे हैं। इसराइल के टैंक लगातार जल रहे हैं। हमास ने वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे वो छुप छुप कर इसराइल के टैंक को उड़ा रहा है। यहां एक सुरंग से निकलकर हमास का एंटी टैंक दस्ता इसराइल के मरकावा टैंक पर बम फिट कर देता है और फिर वापस सुरंग में जाकर छिप जाता है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक खिड़की के रास्ते हमास का एंटी टैंक दस्ता मरकावा टैंक पर यासीन रॉकेट से हमला करता है। गाजा हो, हमास हो, लेबनान हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो या फिर इसराइल, और साथ में उसके लिए मारने और मिटने को तैयार अमेरिका, ये बड़े युद्ध के वो मसाले हैं जो यूक्रेन से भी खतरनाक या कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध की पक्की गारंटी दे रहे हैं। General urges all parties to exercise maximum restraint and take urgent steps to de-escalate tensions in the region.
I mean, he was very clear in that he's mentioned it, that this continued fighting has the risk of a great miscalculation by multiple actors. And I think this is what we've been seeing in different parts of the region, sadly. इस वक्त गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। सालेह अल अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सड़कों पर हजारों लोग इसराइल के खिलाफ उतर आए हैं। जाहिर है कि गाजा के बाद अब अरूरी की मौत का गुस्सा वेस्ट बैंक में किसी भी वक्त फूट सकता है। أبو محمد ليس كأي واحد منا وليس أي شخصية بسيطة الشيخ صالح كما تفضل أخي هو رمز للوحدة هو رمز للمقاومة هو لم يفهم في يوم من الأيام إلا لغة واحدة هي مواجهة هذا المحتل देखा जाए तो वेस्ट बैंक इसराइल के खिलाफ पांचवा मोर्चा है। इससे पहले गाजा की लड़ाई है, हिजबुल्ला से लड़ाई है, हुती से युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इराक में ईरान समर्थित हश्द अल शाबी ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। अरूरी की मौत के बाद ये मोर्चे और मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये युद्ध फैला तो समझ लीजिए कि बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे।